फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, क्योंकि हमारा ये जो कंफर्ट जोन होता है, ये हमारी प्रोग्रेस का, हमारी लर्निंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या.इन। आज हम आपके लिए यूपी की एक और रेनाउंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन लेके आए हैं और उसका नाम है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। आज की अपनी इस वीडियो में हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, रैंकिंग, ऑफर्ड कोर्सेज, फी स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में सभी कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, हमसे काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर एंड स्कॉलरशिप्स, सब्सक्राइब विद्या.इन। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। 1975 का एस्टैब्लिशमेंट है, यूजीसी अप्रूव्ड, एआईसीटी अप्रूव्ड स्टेट यूनिवर्सिटी है, कैंपस कानपुर रोड पर सिचुएटेड है, लगभग 186 एकड़ के एरिया में इसका कैंपस बना हुआ है, जिसमें आपको सभी फैसिलिटीज जैसे कि डिसेंट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, ओपन एयर थिएटर, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, लगभग सभी फैसिलिटीज विद इन द कैंपस मिलती है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को फार्मेसी कोर्सेज के लिए NIRF 2022 में 73 रैंक दी गई है। इसके साथ साथ इसका इंडस्ट्री कोलैबोरेशन अमेज़न, विप्रो, कॉग्निजेंट, HDFC बैंक, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ भी है। आई होप आपको पता है कि अब आप विद्या.इन के थ्रू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन वन क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं और आपको काफी सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स में डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम आपको यहाँ के ऑफर्ड कोर्सेज के बारे में बताते हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से आप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फार्मेसी, लॉ, मेडिकल, वेटनरी साइंस, फॉरेंसिक साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस की फील्ड में UG एंड PG कोर्सेज कर सकते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो यहां से आप BTech, फूड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की फील्ड में कर सकते हैं। यहां के BTech कोर्सेज की फीस 76,000 पर एनम की है। साइंस की फील्ड में आप यहां से BSc एंड MSc, फॉरेंसिक साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, बायोमेडिकल, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड एस्थेटिक्स जैसी स्पेशलाइजेशंस में कर सकते हैं। यहां की BSc की फीस 29,000 पर एनम और MSc की फीस अप्रॉक्स 58,000 की है। मैनेजमेंट की फील्ड में आप यहां से BBA, MBA कर सकते हैं। BBA की फीस 46,000 पर एनम और MBA की यहां की फीस अप्रॉक्स 65,000 पर एनम की है। MBA यहां से आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस जैसे स्पेशलाइजेशन से कर सकते हैं। आप यहां से BA जर्नलिज्म कर सकते हैं, जिसकी फीस 25,000 पर एनम की है। BCA कर सकते हैं, जिसकी फीस 48,000, MCA कर सकते हैं, जिसकी फीस 67,000, BCOM कर सकते हैं, जिसकी फीस 25,000, BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिसकी फीस 30,000, MSc हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी में कर सकते हैं, जिसकी फीस 37,000 की है। BPT कर सकते हैं, जिसकी फीस 52,000, BA LLB कर सकते हैं, जिसकी फीस 24,000, LLB कर सकते हैं, जिसकी फीस 16,000, बी फार्मा कर सकते हैं, जिसकी फीस 68,000 और डी फार्मा कर सकते हैं, जिसकी फीस 75,000 पर एनम की है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके सभी कोर्सेज के बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके इसके सभी ऑफर्ड कोर्सेज एंड फी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप यहां पर एडमिशन कैसे ले सकते हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के ज्यादातर कोर्सेज में एडमिशन आपको एंट्रेंस के बेसिस पे ही मिलता है। जैसे कि अगर आप यहां से बीटेक करना चाहते हैं तो JEE मेंस के स्कोर के बेसिस पर आप यहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके 12th में 50% एंड अबव मार्क्स भी होने चाहिए। अगर आप यहां से BBA, BCA या फिर BCOM करना चाहते हैं तो आप CUET के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आप यहां से MBA करना चाहते हैं तो MAT, CAT के स्कोर पर
आप यहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके ग्रेजुएशन में 50% अब मार्क्स भी होने चाहिए। अगर आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सभी ऑफर्ड कोर्सेज के एडमिशन क्राइटेरिया या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहां के प्लेसमेंट की। अगर आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से बीटेक सीएससी करने की सोच रहे हैं तो बीटेक सीएससी के लिए यहां का प्लेसमेंट अप्रॉक्स 40-50% तक का ही है। यहां से आपको टीसीएस, विप्रो, एनआईटी, अमेजन जैसी कंपनीज में एवरेज 3 लाख तक का प्लेसमेंट मिल सकता है। अगर आप यहां से मैनेजमेंट में एमबीए करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं तो एमबीए करके आपको अप्रॉक्स 2-4 लाख तक का प्लेसमेंट मिल सकता है। इसी तरह से अगर आप यहां से बी फार्मा, बीसीए कोर्सेज करते हैं तो भी आपको 2-4 लाख तक का प्लेसमेंट मिल सकता है। ओवरऑल देखें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, रिनाउंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिसेंट है, फीस काफी कम है। यस, प्लेसमेंट थोड़ा लो है, अगर थोड़ा और अच्छा होता तो बहुत अच्छी बात होती, बट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में कैंपस प्लेसमेंट थोड़ा लो रहता है क्योंकि यहां पर कम कंपनीज ही पहुंच पाती हैं। बट आई एम श्योर अगर आप बीटेक, एमबीए, फार्मेसी, बीसीए कोर्सेज करते हैं तो आपको आउट ऑफ द कैंपस अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। अगर आप लो फीस में कॉलेज सर्च कर रहे हैं तो यह एक डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की सभी इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी। अगर आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर दें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।